आपको कोई अवसर मिल जाए तो परीक्षा तो होगी आपकी, चाहे परीक्षा दैव ले चाहे परीक्षा समाज ले। और कदाचित कोई हमारी परीक्षा क्यों ले, हम स्वयं की परीक्षा स्वयं क्यों ना लें। हम पे कोई उत्तरदायित्व आया है तो वो हमें मदोन्मत्त ना बनाए, वो हमें अहंकारी ना बनाए। अगर ईश्वर ने धन दे दिया है तो धन का अभिमान नहीं होना चाहिए, वो धन हमारा नहीं है। लक्ष्मी तो सदैव नारायण की ही होती है और उनके पास आती है जो नारायण की तरह पोषण करना जानते हैं। और जब यह दृष्टि होती है तो मदोन्मत्त नहीं होता व्यक्ति। दुर्वासा ने कहा कि ऊपर तो चढ़ के बैठ गयो पर इस पद के तुम योग्य नहीं हो। और यही नहीं होता बंधुओं, दान के भी आप योग्य हो या नहीं। अब दान तो अलग बात है, लेकिन चैरिटी करते हैं लोग तो फिर चंदा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। तो वो बंदा गया चंदा इकट्ठा करने के लिए, तो एक सेठ जी के पास गया। उसने कहा मैं ये करता हूँ ये करता हूँ। सेठ ने कहा ठीक है, मुंशी से कहा भाई इसको 1,00,000 रुपया दे दो। तो मुंशी अंदर 1,00,000 रुपया लेने गए और इस व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ माचिस की डिब्बी रखी थी, एक तीली निकाली, अपना कान खुजाया और माचिस की तीली फेंक दी। इतने में उसका नौकर जो है 1,00,000 रुपया लाया। तो सेठ जी बोले इसको 1,000 रुपया दे दो और 99,000 वापिस तिजोरी में रख दो। तो ये कहते हैं आप तो मुझे 1,00,000 देने वाले थे। बोले हाँ मैं 1,00,000 देने वाला था, पर मैंने तेरा आचरण देख लिया, तूने माचिस की तीली निकाली कान खुजाया। अगर माचिस की तीली डिब्बी में ही डाल देता ना तो मैं समझ जाता कि तुम्हें चीजों की इज्जत है, तुम वस्तुओं का सम्मान करना जानते हो, फिर तुम्हें मैं 1,00,000 देता, पर अब तुम 1,00,000 के लायक नहीं हो। आप अपनी योग्यता को प्रमाणित करो ना। आप मान सम्मान अनुदान जो भी पाना चाहें उसके लिए आपको प्रमाणित करना पड़ेगा स्वयं को। और देवता मारे मारे घूमने लगे, दैत्यों का प्रभाव बढ़ गया, तो भगवान की कृपा से समुद्र मंथन का मार्गदर्शन मिला। समुद्र मंथन की अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत जी में आती है। और ये मंथन तो अंतर में भी चलता है देवियों, हमारा शरीर ही वो समुद्र है और अंदर मथानी चल रही है और सांसों की जो रज्जु है ये सर्प की रज्जु ही है। और देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। हमारे चित्त में भी आसुरी और दैवी वृत्तियाँ दोनों के अंदर जो है, दोनों के संसर्ग से मंथन चल रहा है और अपेक्षा है अमृत की प्राप्ति की। और जैसे ही मंदराचल को सागर में डाला गया तो भगवान ने देखा मंदराचल जो है उनको वासुकी की रज्जु बनाई गई। तो दैत्यों ने कहा हम भी बड़े बाप की संतान हैं, सांप की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे। भगवान ने कहा जैसी इच्छा। तो दैत्य लग गए मुख की तरफ, देवता लग गए पूंछ की तरफ और घर्षण पर घर्षण प्रारंभ हुआ। तो भयंकर सांसें और गर्म गर्म सांसों ने दैत्यों को जलाया और वाष्प बन गई वो सांसें और बादल बन गए और बादल वर्षा करने लगे देवताओं के ऊपर। और यहाँ मंदराचल डूबने लगे तो भगवान का अवतार हुआ, कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की जय। पूरे जल में डूबे हैं, मंदराचल उस पर रखा है, सिर्फ पीठ पीठ दिखाई देती है। हम सब के कर्तव्य, हम काम करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे यजमान जी ने इतना बड़ा आयोजन किया ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे आधार कौन है? और कच्छप भगवान ही आधार है जो इस मंदराचल को धारण करके बैठे हैं। इसलिए वो दिखाई नहीं देते पर आधार उन्हीं का है। और आपको पता है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या मिला, क्या निकला? विष निकला। ये तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो देवता ले गए उस विष को भोले बाबा के पास। तो भोले बाबा को ये नहीं कहा कि विष पी लीजिए, ये कहा कि जो सर्वप्रथम पहला प्रसाद निकला है वो आप ही को समर्पित है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। भोले बाबा बोले कि अपनी भारिया से पूछना पड़ेगा ना, धर्म पत्नी से, उनसे पूछना पड़ेगा कि ये कार्य कर लो क्या। तो वो बोली कि ये कार्य आपके सिवा कोई कर भी नहीं पाएगा। और वे हलाहल पी गए
और देवताओं ने सोचा अब तो इनकी राम नाम सत्य हो गई होगी, लेकिन वो आनंद में मस्ती में बैठे थे, आपका विष ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि रा पहले था चित्त में, विष बीच में मिल गया, माँ का संपुट बाद में लगा दिया, और ये राम और विष दोनों मिल गए और विश्राम हो गया, परम विश्राम हो गए। हलाहल जहर कौन पी सकता है, कल्याण देवता। और शिव क्या है, कल्याण देवता, जो समाज के लिए विष पी सके। वही है ना देवियों, शंकर बनने का प्रयास करना चाहिए ना हमें, पत्थरों की चोट नहीं वाणी की चोट पड़ती है। लोग कहते हैं हम लड़े समाज सेवा कर आए, बड़े कथा कराने, इनके बस की बातें कथा कराएंगे, ये है वो विष जिसका शमन करना पड़ता है। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकड़ बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया, ऐसा शिव बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्य अन्य बहुत तरह तरह के रत्न जो है वो प्रादुर्भाव हुए, कुछ देवताओं को कुछ दैत्यों को प्राप्त हुए, क्या कामधेनु प्रकट हुई, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, सभी कहे हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। लक्ष्मी जी पुष्प माला लेके चल रही है, किन किन को चाहिए, हमें चाहिए हमें चाहिए। ब्रह्मा जी बोले देवी हमारे घर आ जाओ, तो लक्ष्मी जी बोली ब्रह्मा जी आप बड़े अच्छे हैं पर आपकी सृष्टि में ना बहुत भेदभाव है, आपकी भेद दृष्टि है, मैं आपके यहाँ सहज नहीं रह पाऊंगी। तो फिर उनको निमंत्रण दिया देवताओं ने, तो लक्ष्मी जी बोली तुम ठीक तो पर भोगी भी हो और डरपोक भी हो, भागने लगते हो जरा जरा सी बात पे, भगवान को पुकारने लगते हो। दैत्यों ने कहा देवी हमारे यहाँ आ जाओ, नहीं दैत्यों तुम तपस्वी तो हो, बहुत तप करते हो, घोर तप करते हो, पर तुम्हें दूसरों को दुख देख के दूसरों को पीड़ा दे के मजा आता है, इसलिए तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। तो वहां मार्कंडेय ऋषि बैठे थे, वो तो आंखें ही नीची किए बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा जो इतना उपराम है इसके यहाँ जाकर क्या करूंगी। मार्कंडेय बोले हाँ देवी यहाँ से चली जाइए तो ठीक है। शंकर बोले देवी हमारे यहाँ आएंगी क्या, कैलाश पर विराजमान करके आपकी अर्चना वंदना करेंगे। लक्ष्मी जी बोली ठीक है भोले बाबा आप बड़े प्यारे हैं कल्याण देव हैं, लेकिन कभी कभी आपको मस्ती चढ़ती है ना, तो आप असुरों को भी वरदान दे देते हैं और पता नहीं किसको उठा के मेरा दान कर दो, इसलिए आपके आने का रिस्क कभी नहीं ले सकती, तो फिर आप कहाँ जाएंगी। तब मुस्कुराते हुए जैसी लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो वहां भगवान विष्णु विराजमान थे, नारायण, उनके गले में वरमाला डाली है, दिशाएं जय जयकार करने लगी हैं, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अद्भुत है भाई अद्भुत है, हींग लगी ना फिटकड़ी, रंग ऐसा चौखा कि आज तक उतरने का नाम ही नहीं लेता। वारुणी भी निकली थी, झूम बराबर झूम शराबियां, शराब पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। घर में बेटा हो जाए तो खुशी के मारे पीते हैं, बेटी हो जाए तो दुख के मारे पीते हैं, और एक जना तो बैठ के दो गिलास लेके पीता है, दोनों में आधी आधी डालता है, फिर आपस में गिलास टकरा के चीयर्स बोलता है, फिर थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा। उसने कहा ये दो दो क्यों पीते हैं, एक ही गिलास में क्यों नहीं। बोले एक गिलास मेरा है और एक मेरे मित्र का है, मेरे दोस्त का, उसकी याद में पीता हूँ। अच्छा आप ऐसा ही करते हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ, एक मेरी मैं अपनी पीता हूँ, एक मैं अपने दोस्त के हिस्से की पीता हूँ। और एक दिन कहते हैं एक ही गिलास लाना, एक ही गिलास दो नहीं। तो आज क्या हो गया, आज आप अपने मित्र से रूठ गए, क्या बात है, मित्र के हिस्से की नहीं पियेंगे, मित्र के लिए नहीं बुलाई। बोले मित्र के लिए ही बुलाई है, मैंने आज से शराब पीना छोड़ दिया है, बस अब मित्र के हिस्से की ही पीऊंगा। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, लेकिन हमने निमंत्रण दिया है शक्ति वालों, हम भी पिलाते हैं, अंगूरों की ढली नहीं पिलाते, आत्मा की ढली पिलाते हैं, अनुभवों की भट्टी पे ढाल के पिलाते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। आपको मालूम है
बहुत अद्भुत। बाद में धन्वंतरी जी महाराज लेकर आए थे अमृत, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। देवताओं के बीच में छुप के बैठ गए थे दैत्य, और भगवान विश्व मोहिनी रूप धारण किया था। इस कथा में भगवान ने तीन रूप धारण किए, तीन उनके अवतार हुए, विश्व मोहिनी बनकर उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को वारुणी पिलाई। लोग कहते हैं ये तो पक्षपात है, आप भी देखो, आप भी अपने भीतर की दैवी वृत्तियों का ही पोषण करना चाहेंगे, आसुरी वृत्तियों का पोषण नहीं किया जा सकता। असुर बलवान होंगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भगवान ने विश्व मोहिनी जिस रूप को देख के भोले बाबा भी चकित रह गए थे, और पार्वती जी को छोड़कर विश्व मोहिनी भगवान के पीछे पीछे दौड़े थे। बड़ी अद्भुत प्यारी कथा है। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।